Thank you. Colin. Thank you very much. आज मंडे है, हमारा फोर्थ डे यहाँ पे एक्वा ब्लू में। तो आज हम लोग काफ़ी लेट उठे, हम लोग ने ब्रेकफास्ट नहीं किया और अभी लंच का टाइम है, लेकिन लंच जाने का दिल नहीं है। ईमान को अपनी आइस कॉफ़ी चाहिए थी, फिर अरमान को भी मैं यहाँ ले आई और ख़ुद भी मैंने एक लाटे ले ली। तो बस अभी हम लोग यहाँ बैठ के इसको इंजॉय करेंगे। आज मैंने बच्चों को थोड़ा सा रेस्ट दिया क्योंकि आज 4 बजे के बाद हम लोग ने क्वाड बाइकिंग पर निकलना है और वो फंड करना है। तो मैं चाहती थी कि ये थोड़ी सी इनकी एनर्जी रहे, क्योंकि जब उठते हैं पूल में चले जाते हैं तो उसके बाद इनकी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो बस आज थोड़ा सा ना लेज़ी डे तो नहीं होगा, बट जो डे है ना वो थोड़ा सा ये दिन का टाइम लेज़ी मैंने इनका किया है। काफ़ी लेट सो के उठे हैं और अभी माशाल्लाह तैयार हो के यहाँ बैठे हैं दोनों। और अभी अरमान की तबीयत पूरी फिट तो नहीं हुई, बट बेटर है। अभी रेस्ट करेगा, शाम को फिर एक्टिविटी करेगा, तो आई एम श्योर रात तक फिर से ड्रेन हो जाएगा। लेकिन ये है कि थोड़ा सा टिकट ईजी किया है ताकि इसकी तबीयत भी ठीक रहे। जब से वो डाइविंग की है तो मुझे भी थोड़ी सी ना एंकल्स में सूजन हो गई है और फेस पे भी थोड़ा सा पफ हुआ हुआ है। ईमान का थोड़ा सा बैक में था प्रॉब्लम, लाइक फाइन है, लेकिन यू कंप्लेनिंग अबाउट योर बैक लास्ट नाइट। सनबर्न, शायद सनबर्न हो गया। और अरमान की तबीयत जब से वो वहाँ से डाइव करके निकला है तब से तबीयत डाउन है इसकी, तो फुली रिकवर नहीं हुआ, तो वो फुली हो जाएगा, लाइक इतना वो है नहीं। तो इंशाल्लाह शाम को देखते हैं 4 बजे के बाद कैसा हमारा डे गुजरेगा, आज कैसा फ़न होगा। ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम मैं क्वाड बाइकिंग भी जा रही हूँ और पता भी नहीं है कि डेजर्ट पे लेके जाएंगे, थोड़ी सी इंटरटेनमेंट है और डिनर भी उन्हीं के साथ है। सो यह लेट्स सी, होपफुली वी हैव सम फन। तो गर्मी काफ़ी है आज यहाँ पे, 36 डिग्री से ज़्यादा हुआ हुआ है, बाहर निकले तो गर्मी लग रही है, बट हम इसीलिए मैं इनको होटल के अंदर ही रखूँगी और फिर हम लोग निकलेंगे। Lunch time. Guys, did you see the bird pasta? Bird tongue pasta? Yeah. Oh, what was it? I don't know. I thought it was just a name and it was like... But it was a proper pasta? No, bird tongue pasta. Like bird's tongue. Wait, actually? Yeah. I thought that was just a name. No? इंडियन फिर से उसी रात के रेस्टोरेंट में आए के वहाँ यहाँ का खाना थोड़ा सा ना मुझे अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है, स्पेशली राइस। तो अभी खा रहे हैं, तो वहाँ पे ना एक देखा पास्ता जिसका नाम था बर्ड टंग पास्ता, तो थोड़ा सा अजीब लगा, मैंने कभी सुना नहीं है। क्वाड बाइकिंग के लिए तैयार हो गए हैं। आर यू एक्साइटेड? यस, ऑल गुड। एनीबॉडी नर्वस? इट्स मी एज ऑलवेज। या हू इज गोना बी माय ड्राइवर? इज गोना बी इमान और अरमान? आई थिंक सो, इमान इज गोना बी यू। सो वी कैन मोस्ट टाइम, या आई विल बी मोस्ट टाइम। वेल, इट डजंट मैटर cuz sometimes they might end up putting you together. Never know, yeah. Let's see. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading up. And love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste.
ما انا خاصي هيري و طب تعالى شوف الناس اللي قاعده هنا Look at you. हम लोगों ने अपने डाकुओं के मास्क पहन लिए हैं. डाका डालने के लिए तैयार है ना? बीमारी की गवाह रब सोची का मास्क और इस गर्मी में ये पहन के और जरा सफोकेटिंग हो रहे हैं. She looks very so cute and I बस अभी तैयारी स्टार्ट हो गई है. सो यार इट लुक्स फन, लेकिन हैवी बैग भी है. बच्चों के स्नैक्स वगैरह भी लेके आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ के पैसे वो लेते हैं. और ये मास्क, ये जो ये व्हाट यू कॉल दिस स्टाफ जो भी हैं, ये अभी हम लेके आए थे क्योंकि हमें पता था यहाँ पे ना ये लोग एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे. तो अकलमंदी का काम किया, घर से ही लेके आए, लाइक होटल से. Not looking funny. क्यूट लग रहे हैं ना, और डिफरेंट कलर, येलो रेड एंड पिंक. मैंने अपने कपड़ों से मैच लिया है, ईमान ने अपने शॉर्ट से, और ईमान को रेड चाहिए था. तो हम अपने बाइक्स पे बैठ गए और मेरी जान ईमान के हाथ में है. स्टार्ट हो गया है, बस उन्होंने बताया ब्रेक क्या है, क्या है और कुछ नहीं. Careful please guys, all the time just one line at 10 meter, okay? No right, no left. With round very slowly, because fast with slowly mainly full up with the pump bike, okay? And all the time make good check about everything with you, because if anything close you'll find it, your phone, your bags, your camera. Understand? All with back and close. Maybe with jump, anything. Pull up, no find it. Okay? And be careful, please. You understand me or no? Yes, yes. Thank you.
अरमान के साथ में बैठी थी क्योंकि अरमान अंडर 16 था, तो अगर इसको कुछ हो जाता तो मेरी जिम्मेदारी होती, जो ऑब्वियसली एज अ पेरेंट केयरफुल होना पड़ता है। थोड़ा सा ही गुस्सा हुआ, लेकिन जब एक दफ़ा स्टार्ट हुआ उसको समझ लगी कि ये इजी नहीं है, तो ये थोड़ा सा काम डाउन हुआ। तो मुझे भी शुक्र है मैं इसी के साथ बैठी हूँ। माशाल्लाह ईमान ने चला ली मुझे, उसका बिल्कुल उस वक्त किसी का ध्यान था तो उसका बिल्कुल याद नहीं रहा, लेकिन बड़ी है वो तो उसने संभाल लिया सारा कुछ। और अरमान दीदी कह रहे हैं एट द एंड पता नहीं अरबी में कुछ बता के गया, समझ भी नहीं लगी। अभी शायद ये लोग यहाँ पे इन्होंने लाइक कैमरामैन रखे हुए, हर जगह कैमरामैन रखते हैं ताकि वो पिक्चर ले और आपको ठग सके। तो ये अच्छी बात है कि पहले मैंने बैग में रख दिया था कैमरा, लेकिन जब मैंने देखा अरमान सही चला रहा है तो मैंने निकाल लिया। और फिर इसकी भी अपनी बनाई, ईमान तो बहुत आगे थी तो पता नहीं मैंने बनाई है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। तो अभी ये है कि यहाँ के थोड़ी सी ये देखें बच्चियाँ हैं, कुछ अरबी में कुछ कह रही थी, एयरिंग्स का भी कह रही थी, पता नहीं मांग रही थी या कुछ पता नहीं कह रही थी, तो समझ नहीं लगा। ये पिक्चर लेने आए ईमान से पोज मरवा रहा है पिक्चर, मैंने कोशिश करूँगी नहीं लूँ क्योंकि मैंने आगे बहुत सारी इनकी पिक्चर ले ली हैं। अभी ये हमें बता रहे हैं तू जाओ थोड़ा, इफ इफ आई फील लाइक आई विल बाय देम, इफ आई डोंट फील लाइक आई वोंट बाय देम। $5 for one. Oh, you want some drinks? You can take it out. No, I'm good. I'm having late. Look, Arman is posing, he's marwa raha hai. Ugh. Mujhme himmat nahi hai ki main is cycle se uth sakun. Mujhe nahi karna. Pose to maar sakte hai na. Stand up, darling. Stand up, darling. दोनों मेरे प्यारे यहाँ बैठे हुए गर्मी से निढाल होके। इट्स गुड वेदर इज़न्ट इट बर्निंग। ये देखिए कितना ये पहाड़ियाँ बहुत ही प्यारी लग रही हैं। ये सारा सफारी का एरिया, अभी वो सूरज डाउन हो गया है, अभी फिर से जाएंगे हम सब। मानी गो बाकी जो स्कूटी तैयार हो गए हैं दोबारा से वापस जाने के लिए, आई थिंक सो एक राउंड ही होता है, तो सब लोग यहाँ पे हैं। मेरा ड्राइवर भी रेडी है, आर यू रेडी माय ड्राइवर? यस। मम्मी को ड्राइव करने के लिए चलेगी। हम लोगों को कहा है ना कि उतरो नीचे, पता नहीं कुछ यहाँ पे बात करेंगे कि पता नहीं कपड़े फंस रहे हैं इधर। और ये देखे मैंने क्या कर दिया, इस पे आके फट गया। क्या कर रहा है, लेकिन इसकी वजह से मेरी लेगिंग फट गई। शर्म शर्म करवा रहा है। आप चलो जी चलो जी, बस इतने के लिए इसने मेरा नुकसान कर दिया। Is this ours? Yes. इसमें अड़का, वेरी बैड। इसीलिए गया, ओहो उतारा इसीलिए गया, बस चीख के शर्म के है, शर्म पहाड़ों को देख के। जैसे स्कूल में नहीं एक लाइन में खड़े करके करते हैं वैसे। आवाज बड़ी वजन है। तो टाइम टू गो अगेन, वो बैठी हुई है। जुगाड़ कर लेती है, सस्का उतर गया है तो उसको पता है कैसे नॉट करते हैं।
my life is in your hands and your life is in your hands just too. Right there. Slowly, slowly, okay? Maybe like before. दूसरी जगह चोरी करने जा रहे हैं. स्टार्ट करो. डाली मार मान. वो ईमान जा रही है. अभी मैं ऐसे यहाँ थोड़ी देर के लिए लग खड़ा करूँगी. अभी फिर से उठो. बहुत ही प्यारी है. ऊँट भी बहुत ही प्यारे हैं. रेगिस्तान भी बहुत ही प्यारा है. विलेज लग रहा है कुछ बनाया हुआ इन्होंने. बस पिक्चर्स ही निकाल रहा है. या इज दिस ओ एरिया बना. या सो सिट डाउन. जगह बनाई है यहाँ पे बैठ के. थोड़ी देर के लिए बैठेंगे हम लोग और खाना खाएंगे फिर बाद में यहाँ से. देखिए पहाड़ी. अली होते तो बहुत इंजॉय करते यहाँ पे. वो तो ऊपर पहाड़ी पे भी चढ़ जाते. हाँ तो अभी कह के गया है कि यहाँ पे बैठे तो कोला शीशा पानी स्प्राइट ये सब कुछ करके जाएंगे यहाँ से. बच्चे शीशा करेंगे. करवाऊँ? यस. देखो ना बच्चे. तो यस यहाँ पे बैठे हुए हैं. वो ड्रिंक्स लेके आए थे बट अपनी अरबी जबान में बोल रहे थे लेकिन हम भी बड़े चराग हो गए तो पहले ही पूछा इंक्लूडेड है कि नहीं. क्योंकि हमने जो पैकेज लिया था उसमें एंटरटेनमेंट भी इंक्लूड था, खाना पीना भी इंक्लूड था और ऑब्वियसली ड्रिंक्स भी इंक्लूडेड थे. कहते हैं नो नो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा. यहाँ पे यही करते हैं. बुक करने के लिए आपको कह देते हैं ये है क्योंकि बुकिंग वाले सेपरेट होते हैं और जब आप आते हो तो यहाँ पे सेपरेट होते हैं. तो फिर ऑब्वियसली मुझे पिछले दो ट्रिप से थोड़ा सा आइडिया हो गया था तो हम अपना इंतज़ाम ड्रिंक क्रिस्प और पानी लेके आए थे अपने साथ. तो फिर उससे कहा नहीं हमने नहीं लेना. तो जाहिर जो फैमिली जिनको बताया नहीं जाता वो जब आती हैं तो बच्चे साथ में होते हैं तो वो फिर ले लेते हैं इनसे. और यहाँ पे ना अगर आपको जैसे हमें होटल से बहुत चीप मिले, होटल से नहीं होटल से बाहर ही लिए हैं सुपरमार्केट से,
तो वहाँ से चीप मिले और यहाँ पे वही चीज़ ना 3 गुना ज़्यादा प्राइस पे ये लोग बेच रहे हैं। तो मैंने नोट किया है यहाँ पे ज़्यादा पैसे कमाने के लिए हर चीज़ करते हैं। पिक्चर्स भी निकालने कौन सी मैंने लेनी है कौन सी लेनी है। और यहाँ पे मक्खियाँ जैसे पाकिस्तान में नहीं होती, मैंने देखे पाकिस्तान में होती थी ऐसी उड़ रही होती थी, तो ये बच्चे जो है ना यूज्ड टू नहीं है, तो ये देखें क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी पहाड़ियों पे कुछ लोग चढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये वो एरिया नहीं है, दिस इज़ जस्ट एन एरिया लाइक दैट मैं अभी थोड़ी देर में जब वापस जाएंगे तो शायद फिर वो एरिया आए, पता नहीं ये बेचते कुछ है। हाँ कहते कुछ है जब हम लेते हैं और जब आते हैं तो डिफरेंट होता है। सो हाँ तो एनी वे एक्सपीरियंस यही था ना द क्वाड बाइकिंग विच वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, इट वॉज एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम। और हम डेजर्ट सफारी में भी आए, समथिंग डिफरेंट विच इज़ ओके नाइस। रही बात खाने पीने की, तो वो तो हम होटल में खा पी रहे हैं तो उसका मसला नहीं है। और वो स्नैकिंग ले आए हैं तो हमें वो अगर ये छोटे होते या मैं ना लेके आती तो फिर ज़ाहिर है लेनी पड़ती, फिर कोई और कोई रास्ता नहीं होता। बट मुझे लगा ये गिर गया तो हाँ बस नुकसान एक हो गया है मेरा, बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया उस क्वाड बाइक ने किया है, मेरी लेगिंग जो फट गई थोड़ी सी। Can you not just stitch it back up? I can. वो तो obviously मैं जुगाड़ करूँगी, but I'm just like saying that it's so nice. My legging is got a little hole in it. तो not nice. इनकी quad bikes जगह जगह से लोहा निकला हुआ है ऐसे, जाहिर है कितनी टकरे मकरे मार के आई होंगी। तो खैर enjoy तो किया, I liked it. Still enjoyment. It's nice. Something different. Getting out of the hotel and doing something in a different country. यस बस इनको ये मक्खियों से एलर्जी हो रही है और तो कुछ नहीं। तो यस हम लोग फन कर रहे हैं, आप लोगों से भी गपशप मार ली है। इंशाल्लाह जितने भी ये ट्रिप्स मैंने किए हैं इनका सब एक्सपीरियंस भी प्रॉपरली, इसका तो अब देखें मैंने थोड़ा सा शेयर कर दिया है ताकि अगर किसी ने इजिप्ट में आना है तो थोड़े से जो बुकिंग्स वगैरह कहाँ से सस्ती हमें मिली। ऑब्वियसली यहाँ पे हर एक बंदे की डिफरेंट डिफरेंट प्राइस थी, सब ठगते हैं आपको, सबसे ऊंची प्राइस दिखाते हैं क्योंकि उनको पता होता है आप हाफ प्राइस पे ले आओगे, तो हाफ प्राइस पे ले आओगे तो वो उन्हीं की प्राइस होती है। तो मैं तो ऑब्वियसली हम लोग हॉलीडेज़ पे आते रहते हैं तो मुझे आदत सी होगी, बल्कि मुझे इन्जॉयमेंट मिलती है उनसे बार्गेनिंग करने में। तो हमें माशाल्लाह से टच वुड अभी तक जितनी भी हमने ट्रिप्स किए हैं रीज़नेबल प्राइस में ही किए हैं, आगे पीछे देख के किए हैं, और फ़ोटोज़ भी जो हमने डाइविंग के और वो दूसरे लिए हैं वो भी जो प्राइस बाकियों ने दी है उससे मैंने हाफ से भी कम दी है, तो माशाल्लाह वो सब अच्छा हो गया और बच्चों ने इंजॉय भी किया। थोड़ी सी तकलीफ़ भी हो रही है ऑब्वियसली, ये अब ज़रा जब आप इंजॉयमेंट करते हो ऐसी जगहों पे आते हो गर्मी में है तो थोड़ी सी तकलीफ़ तो यही होती है, गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ती है। और ऐसा तो नहीं कि हम हर रोज़ इन जगहों पर आते, और आते भी हम लोग चाहते ही हम लोग के हॉलीडे सीज़न पर आएँ, तो बस इसकी वजह से थोड़ी सी बच्चों को ज़ाहरा अरमान का वो सनबर्न हो गए हैं, बट इट्स पार्ट ऑफ द गेम, कुछ गेन करने के लिए आपको कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है। तो यस बस अब थोड़ी देर में यहाँ से चलते हैं, पता नहीं कितनी देर में चलते हैं। पहले ये लोग मेरे यहाँ से नहीं पहले ये लोग अपने पैसे शैसे बना लेना अपने ड्रिंक्स वगैरह से और अपने हुक्का से, उसके बाद यहाँ से चलते हैं। I want to try it. Did you get the stick for the puffs? Puff stick. Oh, so good idea.